वे आर राइटिंग बॉडी टेक्स्ट, वी रिटन दी हेडलाइंस लास्ट टाइम और इस दफ़ा हम बॉडी टेक्स्ट लिख रहे हैं किस चीज़ का प्रेज़ेंटेशंस का मेनली uh, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करें प्रेजी करें या कोई और की uh, नोट करें कोई भी और प्रेजेंट पावर पॉइंट बनाने का तरीका इस्तेमाल करें और जो मेन कंपोनन्ट्स हमने पहले भी बात की है वो आपके हेडलाइंस हैं बॉडी टेक्सट है इमेज विजुल्स एंड ग्राफिक्स हैं तो अब हम बात करें बॉडी टैक्स की तो बॉडी टैक्स में क्या होना चाहिए क्या की एलिमेंट्स है वो हैं बुलेट्स यानी कि बुलेट पॉइंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं बुलेट पॉइंट्स क्या करते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी कहानी जो है जो मैं बात कर रही हूँ इस वक्त वो लिख भी दें वो सिर्फ़ एक पॉइंटर के तौर पर उसका पॉइंटर का आ, काम अंजाम देते हैं जैसे कि उस पर लिखा है बुलेट्स तो मुझे पता है कि जी अब मैंने बुलेट्स के बारे में बात करनी है अगला है जी शॉर्ट हैंड यानी कि आपने उसको ज़रूरी नहीं है कि पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाएं आप उसको फ्रेज़ेस में भी डाल सकते हैं आ, या शॉर्ट हैंड स्टाइल जो होता है उसमें डाल सकते हैं बिकॉज दे जस्ट ट्रिगर द कॉन्वर्सेशन दे दे एक्ट एस ट्रिगर्स रादर देन मेकिंग फुल कम्प्लीट सेंस की इंफॉर्मेशन यानी कि आपने उसमें जो की बात है की मैसेजेस हैं वो बॉडी टेक्स्ट में देने हैं सिंपल इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश और अगर आप मुश्किल लफ्स बता रहे हैं तो उनको या कोटेशन दे रहे हैं तो कोटेशन्स के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ख़ास तौर पे अगर डेटा है तो आप पाई चार्ट्स भी दिखा सकते हैं बार चार्ट्स भी दिखा सकते हैं स्मार्ट आर्ट जो है वो भी आपके पास अवेलेबल है तो बहुत सारे जो है वो तरीके हैं जो आप अपने इंफॉर्मेशन uh, को सपोर्ट कर सकते हैं तो वी विल नाउ गो एंड लुक एट वेज ऑफ राइटिंग इट तो बॉडी टेक्स्ट ये हमारी हेडलाइन जो है वो अगेन हम बात करते हैं हेडलाइन हमारी है या सबसेक्शन हेड जो है वो हमारा है ड्रिंकिंग वाटर तो अब हम बात करें हैं पानी पीने की तो हम कहते हैं कि जी पहला बुलेट पॉइंट है हमारा एट ग्लासेस अ डे फैक्ट और फिक्शन तो बस सिर्फ ये बुलेट पॉइंट है इसके बाद जो प्रेजेंटर है वो पूरी इसकी कहानी बाद में दे देगा उस वो कहानी यहाँ पर लिखनी हमें ज़रूरी नहीं है आ, अगला पॉइंट हमने ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करना है क्लीन वाटर यानी कि हमने साफ पानी के बारे में बात करनी क्या है क्या इम्पोर्टेंस है साफ़ कैसे किया जाता है साफ़ पानी पीना क्यों ज़रूरी है और आखिरी बात जो हम करेंगे ड्रिंकिंग वाटर की वो ये है एज इज़ नो बार यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस उम्र के हैं कितने बड़े हैं शायद उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे चली जाए मगर पानी जो है वो सब एजेस के लिए सब लोगों के लिए ज़रूरी है तो आपने ये देखा कि जी हमारे पास एक सबसेक्शन था उसके बाद हमने बुलेट पॉइंट्स दिए हैं प्रेजेंटेशन में बॉडी टेक्स्ट हमारा ये कहता है इसके बाद हम पारी पूरी प्रेजेंटेशन जो है इन कॉन्सेप्ट्स पे, इन थीमेटिक एरियाज पे चलेगी थैंक यू सो मच